Hey everyone, my name is Shivendra Thor. In this video, we are going to discuss about the important jurist and aspect of historical school of jurisprudence. In the series of school of jurisprudence, historical school is a very essential part of it. So let me introduce you what is the essentials and the reason of development of this school. Historical law school says with the changing needs and nature of person, the law should be चेंज जैसे जैसे किसी सोसाइटी में पर्संस की आवश्यकताएं और उनका नेचर चेंज होता है उसके साथ में लॉ भी चेंज होता रहता है। और एक बात जो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, हमने पढ़ा था नेचुरल लॉ में डिवाइन लॉज या इटर्नल लॉज होते हैं, बट यहाँ पे बात की जाती है मैन मेड लॉज की। यहाँ पे जो हमारे लॉ हैं वो ज्यादातर लोगों के द्वारा ही खुद बनाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस भी। जो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस है, इसको हम कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को दोस्तों आप याद रखिएगा, कई बार फ्री में ये क्वेश्चन आ जाता है। अब उसके बाद देखते हैं हम कि जब हमारे पास नेचुरल लॉ स्कूल था तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी, कैसे ग्रो किया हमारा हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। तो सबसे पहला रीजन है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस फोकस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ बाय पीपल। इसमें बात की गई लॉ का डेवलपमेंट जो है वो लोगों के द्वारा ही होता है, ना कि डिवाइन, ना कि किसी भगवान या खुदा जी के द्वारा। यहाँ पे जो ये लॉज बनाते थे, जो डिवाइन ओरिजिन होता था लॉ का, उनको हम कहते थे इटर्नल लॉज। जो हमारा नेचुरल लॉ है उसको हम इटर्नल लॉज के नाम से भी जानते थे। बट यहाँ पे जो हिस्टोरिकल स्कूल में लॉज हैं वो क्या हैं, मैन मेड लॉज, जैसा मैंने आपको ये देखे यहाँ पे पहले भी बताया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। ये एनालिटिकल स्कूल की जो आइडियोलॉजी थी उस को भी पूरी तरीके से अपोज करता था, जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से ग्रो कर पाया था। Before introducing you with the various jurists of the historical school of jurisprudence, I would like to tell you what is the distinction between historical jurisprudence and legal history. दोस्तों जो लीगल हिस्ट्री है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फैक्चुअल नरेशंस के या तथ्यों के साथ में बात करता है कि लॉ का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, लॉ के जो वेरियस इंस्टीट्यूशन हैं उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। वहीं पे जो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल है ये बात करता है, एग्जामिन करता है उन मैनर्स की, सरकमस्टेंसेस की, फैक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबल है लॉ के ग्रोथ के लिए, और उस प्रोसेस को भी एग्जामिन करता है जिसके द्वारा लॉ का इवोल्यूशन हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने लॉ के इवोल्यूशन में हेल्प दी, जिसमें सबसे पहला नाम जुड़ता है मॉन्टेस्क्यू का, जिनको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। दोस्तों इसमें आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिए, इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉस। इस बुक में इन्होंने अपना जो पूरा कह सकते हैं हिस्टोरिकल स्कूल का बेस है वो मेंशन किया था। ये बोलते हैं कि जो लॉ है वो मॉडिफाई होता है और डेवलप होता है विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। जैसे जैसे किसी सोसाइटी में उनकी नीड्स में चेंज होता रहता है, लॉ का भी डेवलपमेंट या चेंज आता रहता है। ये अपनी यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन में भी कहते हैं, लॉ इज द क्रिएशन ऑफ द क्लाइमेट, लोकल सिचुएशंस, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। यहाँ पे आप देखेंगे ये कहते हैं लॉ ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि द लॉ डिपेंड्स ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, सोशल पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। किसी सोसाइटी की जो सोशल पॉलिटिकल और एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं उन पे प्रिवेल करता है कि आखिर हमारा लॉ कैसा होगा। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द अनदर इंपॉर्टेंट जूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, एफ के वॉन सेवेग्नी, फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेवेग्नी, जिनका जन्म होता है जर्मनी में 1779 में।
Savigny was the main exponent of his historical interpretation of law and also considered as a father of or a propounder of the historical school of jurisprudence. Savigny के लिए मुझको एक लाइन जो डॉक्टर एलन कहते हैं वो बहुत पसंद आती है. Savigny as Darwinian before Darwin for his work contribution to apply the evolutionary principle to the development of legal system. Legal system में जो Savigny का हाथ था उसके development में उसके लिए इनको Darwin तक की संज्ञा देते हैं डॉक्टर एलन. ये पॉइंट आप मेंशन करिए अपने नोट्स में. और वहीं जो दूसरा पॉइंट है जो पूरी तरीके से Savigny का महत्व बताता है हिस्टोरिकल स्कूल में, दैट Savigny जो थे वो पूरी तरीके से बिलीव करते थे दैट द ऑल लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. इनको जो थ्योरी है हिस्टोरिकल स्कूल में ये पूरी तरीके से घूमती है कॉमन कॉन्शियसनेस के ऊपर, और ये बिलीव करते थे कि जो लॉ है वो डेवलप हुआ है और बोरो किया गया है कॉमन कॉन्शियसनेस से, ना कि किसी आउटसाइड फैक्टर से. अगर Savigny की थ्योरी को किसी ने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया है तो वो थे फ्रीडमैन. फ्रीडमैन कहते हैं कि Savigny की थ्योरी में मेंशन है लॉ इज लाइक लैंग्वेज विच एवेंचुअली ग्रोज. जो Savigny की थ्योरी है वो लैंग्वेज के तरीके से इवेंचुअली ग्रोथ करती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतोगत्वा. मतलब जो इस पे डेवलपमेंट है लॉ में वो कॉन्टिन्यूसली होता ही रहता है. जैसे हमारा लैंग्वेज जो है वो ग्रोथ करती रहती है, वैसे ही हमारा जो लॉ है इसमें भी परमानेंट ग्रोथ जो है होते रहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल वैलिडिटी. लॉ की वैलिडिटी कभी भी यूनिवर्सली नहीं हो सकती है. जो लॉ है वो सोसाइटी की नीड जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. उसके साथ में Savigny के अनुसार जो कॉमन कॉन्शियसनेस है, जैसे जैसे वो लोगों का चेंज होता रहता है और एक स्थान पे दूसरा है, दूसरे स्थान पे दूसरा है. आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एडल्ट्री है, कुछ कंट्रीज में एडल्ट्री एक क्राइम था और कुछ कंट्रीज में उसको क्राइम नहीं रखा गया है. तो ये बताता है कि उस स्थान पे जो कॉमन कॉन्शियसनेस था वो बताता है आखिर कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसी वैलिडिटी रखेगी. उसके बाद जो लॉ है इसको इन्होंने कहा स्यू जेनरिस. Savigny अर्थ दैट लॉ इज लाइक द लैंग्वेज हैविंग इट्स ऑन नेशनल कैरेक्टर. जो लॉ है इसका भी नेशनल कैरेक्टर होता है, जैसे किसी एक नेशन का होता है, और इसको यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं किया जा सकता है. क्योंकि फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि क्योंकि जो कॉमन कॉन्शियसनेस है ये किसी सोसाइटी के वहाँ की सरकमस्टेंसेस पे, वहाँ की जो हैबिट्स हैं, वहाँ की जो कस्टम है, उन सब पे डिपेंड करता है. तो इसको यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं किया जा सकता है. और जो अनदर इम्पॉर्टेंट बात Savigny करते हैं वो है लॉ इज फाउंड. जो लॉ है ये सिर्फ सोसाइटी में या समाज में पाया जाता है, इसको किसी तरीके से खोजा जाता है, ये बनाया नहीं जाता है. जिसको हम कह सकते हैं जो हमारा वर्तमान समय में प्रिवेल है लेजिस्लेशन डेवलप, एक्चुअली ये कहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन लॉ को सिर्फ खोजता है लोगों के कॉन्शियसनेस से, ना कि उसको बनाता है. एंड लॉ इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस. जो लॉ है वो कॉन्शियसनेस पे डेवलप किया जाता है. जो कस्टम्स हैं, जो बिलीव्स हैं लोगों की, उन पे डिपेंड करता है. अच्छा, Savigny के जो वर्क हैं इसमें ये देखिए, यहाँ पे एक मेंशन है, इसका फ्रेंच नेम आप खुद देख लीजिएगा, बहुत बड़ा है. और ये इसका नाम है ऑन द वोकेशन ऑफ आवर एज ऑफ लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिसप्रूडेंस. इसके अलावा दोस्तों अपने नोट्स में दो और इनके वर्क मेंशन करिए, जिसमें पहला है, ध्यान से सुनिएगा आप, हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एजेस. ये 1815 में इनकी बुक लिखी थी, बट ये पब्लिश हुई थी 1831 में. और वहीं पे जो दूसरा वर्क है इनका, सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉज, ये 1840 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी. तो ये इतनी चीजें आप Savigny के बारे में याद रखिए. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Savigny ने और क्या
हमारा डेवलप किया हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में। बात करते हैं दोस्तों हम वॉक ईस्ट की। सेविग्नी की जो थ्योरी है जिस पिलर पे खड़ी हुई है उसका नाम है वॉक ईस्ट, जिसका मतलब होता है नेशनल कैरेक्टर या पॉपुलर विल या जनरल विल। लोगों की जो चेतना होती है उसको हम कहते हैं वॉक ईस्ट, क्योंकि जो सेविग्नी है ये कहते हैं जो लॉ है किसी डेलिब्रेट लेजिस्लेशन या किसी और इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेवलप नहीं होता है ना बनाया जा सकता है। जो लॉ है ये जनरल कॉन्शियसनेस है जो पीपल की, उसके द्वारा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है और डेवलप होता है। लोगों आप इसको वॉकिस्ट या कॉन्शियसनेस में जो इसके फैक्टर्स हैं उसमें आ जाते हैं हमारे वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, हैबिट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं और जो लोगों का बिलीफ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लोगों की विल कैसी रहेगी, उनका कॉन्शियसनेस कैसा है। अब अगर इसको कोई सामने लाता है, अगर हम मॉडर्न टाइम में समझें तो लॉयर होते हैं। जो लॉयर होते हैं वो माउथपीस होते हैं कॉमन कॉन्शियसनेस के, जो पीपल के कॉन्शियसनेस को सामने लाते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे जो हमारा एडल्ट्री का लॉ था वो पहले जो उसकी कॉन्शियसनेस थी लोगों में वो दूसरी थी, जो विल थी उसके लिए धारणा दूसरी थी। जब वो कोर्ट में डिसाइड हुआ तो उसका माउथपीस मेन कौन था, लॉयर, जो उसको बताते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि लोगों की कॉन्शियसनेस क्या है, वो कैसा लॉ चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जज होता है वो डिसाइड करता है और लोगों की कॉन्शियसनेस पे या वॉक गीस्ट पे खरा उतरता है और जो रूल हैं या लॉज हैं वो चेंज किए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आखिर किन पॉइंट्स पे सेविग्नी की जो थ्योरी थी उनको क्रिटिसाइज किया गया। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए चार्ल्स एलन ने और प्रोफेसर स्टोन ने, जिसमें चार्ल्स एलन सबसे पहले पॉइंट रखते हैं कस्टम आर नॉट द आउटकम ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, क्योंकि जो सेविग्नी थे वो कहीं ना कहीं कस्टम को भी साथ में रख के बात करते थे। बट चार्ल्स एलन कहते हैं जो कस्टम है वो कॉमन कॉन्शियसनेस का आउटकम नहीं होता है। इसके लिए ये एग्जाम्पल देते हैं कि जो स्लेवरी थी पुराने टाइम पे प्रिवेल था, जो स्लेवरी का लॉ, वो किसी तरीके से कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती है, जनरल विल नहीं हो सकती है, क्योंकि जो ये लोअर क्लास की सोसाइटी थी इस पे ये एक तरीके से थोपा गया था अपर क्लास सोसाइटी से, तो ये पूरी सोसाइटी का कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता है, ये सिर्फ हम कह सकते हैं अपर क्लास सोसाइटी का कॉन्शियसनेस था। तो यहाँ पे ये जो बात थी कस्टम की इसको ये पूरी तरीके से नकारते हैं। वहीं पे जो प्रोफेसर स्टोन है ये इग्नोर करते हैं द एफिशिएंसी ऑफ लेजिस्लेशन, जो ये सेविग्नी थे जो लेजिस्लेशन की एफिशिएंसी पे सवाल उठाते हैं, इसको भी ये पूरी तरीके से नकारते हैं और कहते हैं कि जो सती और विडो रिमैरिज जैसे कठिन जो लॉ पास किए गए थे वो सिर्फ एक इफेक्टिव लेजिस्लेशन के कारण ही हो सके थे, क्योंकि जो कॉमन कॉन्शियसनेस था उस टाइम लोगों का वो पूरी तरीके से इसकी ओर झुकाव रखता था, वो नहीं चाहते थे कि सती सिस्टम और विडो रिमैरिज आ सके। तो इसलिए जो प्रोफेसर स्टोन थे ये कहते हैं कि हम जो लॉ है वो कई बार बनाया जाता है, ना कि हमेशा कॉमन कॉन्शियसनेस के द्वारा ही डेवलप होता है। सेविग्नी के वर्क को अगर इंग्लैंड में किसी ने पूरी तरीके से बढ़ाया था तो वो थे सर हेनरी मेन, जिसको हम सोशल डार्विनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ इंग्लैंड में, क्योंकि इन्होंने जो हिस्टोरिकल स्कूल था इसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प की थी। इनके जो मेजर वर्क्स हैं इनको देख लेते हैं एक बार, एंशियंट लॉ हो गया, विलेज कम्युनिटीज हो गया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, रिजल्टेशन ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम हो गया। किसी भी राइटर्स के या जूरिस्ट के जो मैं आपको बुक बताता चल रहा हूँ इनको दोस्तों आप जरूर एक टेबल में मेंशन करिए, क्योंकि कई बार अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं हमारे बुक से रिलेटेड। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो देखते हैं कि आखिर सेविग्नी और मेन के कॉन्ट्रीब्यूशन जो था इनके कॉन्सेप्ट में आखिर क्या डिफरेंसेस थे।
तो जो सर हेनरी मेन है ये फेवर करते हैं लेजिस्लेशन को भी और कोडिफिकेशन को भी, जबकि जो सेवेग्नी था जिनका हमने देखा था क्रिटिसिज्म भी इसी पॉइंट पे हुआ था कि वो लेजिस्लेशन के वर्क को पूरी तरीके से अवॉइड करते थे। एक जो खासी इंपॉर्टेंट बात है वो आप देखिएगा यहाँ पे, जो सर हेनरी मेन थे इन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसके बारे में जानते थे, क्योंकि ये मेंबर भी थे जो हमारी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी 1861 में। तो आखिर देखते हैं इनके कौन से वर्क थे जिसके लिए इनको सोशल डार्विनिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। सर हेनरी मेन कहते हैं लॉ का जो डेवलपमेंट है ये फोर स्टेजेस में होता है, जिसमें जो सबसे पहली स्टेज है ये बात करती है डिवाइन इंस्पिरेशन की। इसमें सर हेनरी मेन कहते हैं किंग जो है वो सिर्फ केवल एग्जीक्यूट करता है गॉड के जजमेंट्स को, न कि वो एक लॉ मेकर है। वो लॉ को बनाता नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूट करता है डिवाइन बॉडी के जो भी रूल्स होते हैं, जो भी जजमेंट्स होते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज जब आती है लॉ के डेवलपमेंट की, इसमें जो लॉ के जो भी कमांड किंग देता है वो कन्वर्ट होते हैं कस्टमरी लॉ में। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब कस्टमरी लॉ की बात करते हैं हम तो ये मेजॉरिटी क्लॉज में आ जाता है। मेजॉरिटी क्लास का मतलब ये है कि उस टाइम जो एग्जीक्यूशन है लॉ का वो होता है प्रीस्ट के द्वारा, और जो मेजॉरिटी क्लॉज है जिनका एक अपना अलग महत्व था सोसाइटी में। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज है इसमें आता है लॉ का डेवलपमेंट माइनॉरिटी क्लॉज में या ऑर्डिनरी क्लॉज में, क्योंकि इसमें प्रीस्ट का जो महत्व है ये कम होने लगता है, और जो हम कह सकते हैं वॉकिस्ट जिसकी बात कॉमन कॉन्शियसनेस की बात की गई थी उसके अनुसार लॉ का डेवलपमेंट हुआ था। और वहीं फोर्थ स्टेज में जो ये ऑर्डिनरी क्लॉज से जो भी लॉ बनते थे उनका कोडिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया, और फाइनली हमारे पास एक कोडिफाइड लॉ हो गया जो ऑर्डिनरी जो है वर्क करता है और सबके लिए एक जैसा रहता है। तो सबसे पहले डिवाइन इंस्पिरेशन की बात की गई, फिर उसके बाद ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा था, किंग के द्वारा, और फिर किंग मतलब इसमें सिर्फ मेजॉरिटी क्लॉज था, फिर उसके बाद ये आता है ऑर्डिनरी क्लास के हाथ में, और फिर उसके बाद इसको कोडिफाइड कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लॉ विद द स्टेजेस। जो फोर स्टेजेस हैं दोस्तों लॉ की, उसके बाद में भी लॉ का डेवलपमेंट जो है वो रुका नहीं। हमारे पास दो तरीके की सोसाइटीज हैं, स्टैटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी में जो हमारी फोर स्टेजेस हैं उसके बाद में लॉ का जो डेवलपमेंट है वो स्थिर हो गया, वो कोडिफिकेशन पे आके स्थिर हो गया और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। वहीं पे जो हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है इसमें जो कुछ अदर हैं वो इंस्ट्रूमेंट जैसे लीगल फिक्शन हो गया, इक्विटी हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, इनके द्वारा लगातार उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, और लॉ का जो डेवलपमेंट है वो किसी भी तरीके से वहां पे स्थिर नहीं है, रुका नहीं है। इसमें दोस्तों लेजिस्लेशन आप जानते ही हैं, लॉ का जो भी अमेंडमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है वो लेजिस्लेशन के द्वारा ही वर्तमान समय में हो रहा है। इक्विटी और लीगल फिक्शन क्या होते हैं इनको मैंने एक अन्य चैप्टर में कवर कर रखा है, आप इक्विटी और लीगल फिक्शन के चैप्टर में इसको देख सकते हैं। सेविग्नी के डिसिपल और एक ग्रेट जूरिस्ट हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के जॉर्ज फ्रेडरिक वुडस्टॉक, जिन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कॉन्फ्लिक्ट थी बिटवीन जनरल विल और इंडिविजुअल विल इसको सुलझाने का प्रयास किया। ये कहते हैं नाइदर द पीपल नॉर द स्टेट अलोन कैन मेक एंड फॉर्मुलेट लॉज, बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल्स आर द सोर्स ऑफ लॉ। जो इंडिविजुअल हैं और स्टेट या सोसाइटी है दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से लॉ जो है वो डेवलप होता है। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं पुस्तक का क्या था। ये कहते हैं ये जो टू फोल्ड एस्पेक्ट था ह्यूमन विल और या हम कह सकते हैं जनरल विल, इसको इन्होंने डेवलप करने का प्रयास किया, और इन्होंने जो कुछ पॉइंट थे सेविग्नी के उनको इम्प्रूव किया और उनको लॉजिकल सेंस में हमारे सामने रखने का प्रयास किया था। तो दिस इज द एंड ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। If you like the video, then share it and subscribe it.
अगर आप लॉ नोट चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में तो मुझको ज्वाइन करिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरी वेबसाइट पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय, टेक केयर।